नगमा जी, आप सवाल मेरा ये था कि आखिर क्या वजह है कि कांग्रेस को इस फिल्म से इतनी आपत्ति है? क्यों कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो दिया जो कि उसमें बहुत ऐसे वादे किए हैं जो अपने आप में अनप्रेसिडेंटेड हैं, कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जिससे कि कांग्रेस को लगता है कि कांग्रेस भी, उसके पास भी हाथ में कुछ ट्रम्प कार्ड है, तो इस फिल्म से क्या फ़र्क पड़ता है? देखिए, किसी भी की फिल्म से कभी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, राहुल जी खास करके फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए बात करते हैं, लेकिन सर्टेन चीज़ें हैं जो मूलभूत तरीके से जो एक कॉमन मैन को इफेक्ट करती हैं। हम लोग संविधान को बचाने की बात करते हैं, हीरोइज्म की बात नहीं करते। व्हाट इज फिल्म्स? इट इज डिपिक्टिंग रियल लाइफ इनटू रियल लाइफ, तो आप उस चीज को निगेट नहीं कर सकते। कैरेक्टर के पास फिल्म आती है, उसको डेट्स बताई जाती हैं, तो उसके मन में पहला ये सवाल नहीं आता इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, रिलीज हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, ऐसा कोई सवाल नहीं आपको? नहीं आया। क्यों? क्योंकि जो मोदी सरकार में, आप बोल लीजिए, क्योंकि मैंने देखा कि ये फिल्म, अगर हम जो, जैसे अभी मैं बोलूंगा तो ये बोलेंगे फिर से बीजेपी वाली बात है, बट जो जिसके ऊपर हम पिक्चर बना रहे हैं वो आदमी ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया है, तो फिल्म भी रिलीज हो जाएगी, फिल्म भी बना देंगे, फिल्म भी रिलीज भी हो जाएगी। हाँ, रिलीज भी हो जाएगी, क्यों नहीं रिलीज होगी? सबसे पहले तो मुझे जवाब समझ में ही नहीं आया कि क्या आपत्ति है। पहले ऐसे बोला कि आपत्ति नहीं है, कोई फिल्म फर्क नहीं पड़ता, फिर आपत्ति जता रहे हैं, फिर बोल रहे हैं कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो ऑलरेडी क्लियर कर चुका है, गाइडलाइन का उल्लंघन हमने किया नहीं है, किया नहीं है, फिर ये बोलते हैं पीछे बैकडोर से क्यों आ रहे हैं, इसी ने क्यों नहीं कोई एक्शन लिया? अब यार मैं चिल्लाने लग जाऊंगा फिर आपके ऊपर, अच्छी बात नहीं रहेगी। ये बात है कि पीछे बैकडोर बैकडोर की बात कर रहे हैं, ये कौन सा बैकडोर यार? आप कुछ भी आरोप लगाओगे, कोई प्रूफ है? हमको प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड एविडेंस देना पड़ा, हमने वो प्रोसेस कंप्लीट किया है, और वो प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद ही हमें ये फिल्म को क्लियरेंस मिली है, तो क्यों झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं? लेकिन आपने झूठ बोल आरोप लगाने की आदत बन गई है, झूठ पे झूठ बोल रहे हैं बिना कोई प्रूफ के, आज लगाए जा रहे हैं आरोप, आरोप पे आरोप लगाते जा रहे हैं, शो करते नहीं है। आज मुझे ये शो करते वक्त कहीं पे भी एहसास नहीं हुआ कि मैं बॉलीवुड के एक्टर्स से बात कर रहा हूँ, मुझे लग रहा था कि मैं पॉलिटिशियन से बात कर रहा हूँ जो अपनी अपनी पॉइंट्स को प्रूव कर रहे हैं। हालांकि विवेक अभी भी पॉलिटिशियन नहीं है, बिल्कुल नहीं, लेकिन बीजेपी के, लेकिन वो एक ऐसे स्पॉट में फंसे दिखाई दे रहे हैं जिसमें उनको अपनी पिक्चर को तो डिफेंड करना ही होगा। बिल्कुल, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।